जिसमें एक झूठी अनुकंपा दिखाकर उनको एक लाक्षाग्रह बनाकर आप यहां पर सुरक्षित रूप से रहो ऐसा कहा। पहले से ही कौरवों की रीति नीति से सावधान ऐसे पांडवों ने पहले ही एक गुप्त रास्ता सुरंग गुफा अंदर से बना ली थी। बहुत अंतराल के बाद अवसर देखकर एक रात लाक्षाग्रह को आग लगाई गई और अवसर देखकर पांडवगण छिपे रास्ते से निकल गए, अपनी जान बचा ली। कौरवों के हर प्रयास को नाकाम करने के लिए कौरवों को कुछ नहीं करना है, अपना अपना रास्ता ढूंढना है। पल पल पर, पद पद पर हमारे जीवन जीते समय क्रोध तथा क्रोधी जीव जगह जगह समय समय हमारी पावन भगवान आत्मा पर ऐसे आतंक ऐसे षड्यंत्र ढाने का प्रयास करते रहते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जी विवेक के रास्ते से चलकर पहले से ही सावधान आने वाली संभवित प्रतिकूलताओं से पहले ही सावधान अपने गुप्त रास्ते से तत्व ज्ञान के रास्ते से आकर शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। बहिरंग समस्त प्रकार की परिस्थितियों से सदा अछूते रहकर बाहर की समस्त प्रतिकूलताओं से अछूते रहकर उनके तमाशगीर ही बने रहते हैं। हम भी ऐसा अंतरंग रास्ता अपने जीवन में ढूंढ निकाले। बाहर में किसी को कुछ नहीं करना है। शेक्सपियर के शब्दों में ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। उत्तम क्षमा, विचार करो। मांगनंदी मुनिराज पर ऐसा संकट आ गया। वैराग्य के शिरोमणि वैराग्य के रत्नमय पहाड़ से गिरकर मुनिपने का नाश होना इससे बढ़कर मिसहैप, इससे बड़ी दुर्घटना जीवन में क्या हो सकती है। इतनी ऊंचाई की चोटी चढ़ने के बाद जगत पूज्य जगत वंदे पद को अपनाने के बाद ठेठ फिर किचकिच में आना, लेकिन उदय अनिवार्य है, किसी को नहीं छोड़ता है। मागनंदी पर सहज ऐसा उदय आया, उनका भी पुरुषार्थ ऐसा इस कदर का प्रतीत हुआ कि एक कुम्हार की लड़की के साथ शादी करनी पड़ी। आप सब जानते हैं प्रथमान्य को कहने की आवश्यकता नहीं।
घड़े बनाने लग गए, जो अस्तक गाथों में लिखते थे न करे भी गड़म न पड़म ने शेष के दब्बे, आज वे स्वयं घड़े बना रहे हैं, गृहस्थ बनकर घड़े बना रहे आदमी। कहा कौन से पद से कहा आ गया, डजंट मैटर। बहुत टाइम के बाद मुनि संघ में एक चर्चा चली, एक गूढ़ शंका का निराकरण नहीं होता जानकर सहज किसी ने सूचित किया, सुझाव दिया कि आज यदि यहां पर वे होते मागनंदी तो इसका सुलझाव करते, अच्छी पकड़ रखते थे। आचार्यों के कहने पर संघस्थ दो मुनिराज मागनंदी को बुलाने गए। बाहर से क्या पूछते हैं, बाहर से क्या पूछते हैं, मागनंदी मुनि है कितना आदर कितना सम्मान, हाथ झुककर खड़े हैं, वे हम गर्जी हैं, हम गर्जी हैं। अब मागनंदी अंदर के कमरे में थे, परिचित शब्द सुने कान पर पड़े और ये सोचा ये क्या बोल रहे हैं मुझे, मागनंदी मुनि। इनकी नजर में आज भी मेरा अच्छा अच्छी धाक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इट्स नेवर टू लेट, बोलो टू स्टार्ट अगेन। पीछे कमंडल अभी बाहरी रखा था, उठाया और संघ में चले गए फिर से अगेन। किसी को अपने अनुरूप बनाने के लिए जीवन में लघुता हमारे आना बहुत जरूरी है। प्रथमवाणियों की दूसरी घटना, इंद्र सरी का जीव, दो दो इंद्र, देखो देखो जिनका एक क्षत्रिय राज चलता है उनको भी विकल्प हुआ तो ब्राह्मण का भेष बनाकर हाथ जोड़कर गृहित मिथ्या दृष्टि का नेता इंद्रभूति गौतम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। किसी को अपना अनुसार बनाना है, अवधि ज्ञान है, चाहे जहां की बात नहीं कर रहा हूं, अवधि ज्ञान है, ये बनेंगे इसी विधि से। जीवन में थोड़ी लघुता लाने से बहुत बड़े बड़े काम चुटकियों में चंद सेकंड में निकल जाते हैं। लोक व्यवहार की बात है, उत्तम मार्ग। ऐसे कई जीव हैं हम में से जो बराबर ये कहते हैं कि सब कहते हैं ऐसे कि प्रतिकूलताएं आने पर हमसे धर्म ना छूटे, ऐसी हरेक की भावना है। और खास तौर पर द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, तो आपने किसी ने पढ़ा होगा तो बताने में कोई पॉइंट है, सेवन एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर की पोएम, उसमें बुढ़ापे का वर्णन किया है उन्होंने, एंड दिस एंड द मोस्ट इवेंटफुल मिस्टीरियस लाइफ। क्या लिखा है बुढ़ापे का, लिखा है सेंस डीप सेंस आईज, आंख चली जाती है, नोज चला जाता है, सब चला जाता है, और एक बात लिखी है मियर ओब्लिवियन। मियर ओब्लिवियन का अर्थ ये है, ओब्लिवियन का सबको भूलता जाता है और जगत के द्वारा भुलाया जाता है, अर्थ पढ़ लेना। बहुत सुंदर चित्रांकन किया है उन्होंने, सेवन एजेस ऑफ मैन, इस इंग्लिश ऑथर का ही, अच्छा वैराग्य पढ़ते हैं एकदम। लोग कहते हैं प्रतिकूलताओं के काल में हमें जरूर संबोधन देने आना, लेकिन छाती पर हाथ रखकर विचार करो क्या अनुकूलताओं में जितना हमको समय मिलता है क्या हम बराबर यूटिलाइज करते हैं धर्म में। जैसे एक मिनट खाली समय है, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, रस्ते पर यहां वहां अखबार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहीं ना कहीं 5 मिनट तो लगते ही होंगे। तुमने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, तुम दूसरों से कैसे अपेक्षा करते हो, स्वयं को छलावा मत करो। प्रतिकूलताओं में धर्म उनका नहीं छूटता जिन्होंने अनुकूलताओं में पूरा लाभ उठाया है। एक जो लोग ये कहते हैं प्रथम युग में ऐसी घटनाएं काफी है जिसमें कहते हैं कि अभी अभी हमारी भी थोड़ी बात हुई एक जगह, अगले भाव में
आप जहां पर भी जाएंगे डेफिनेटली देवगति मिलेगी आपको। हमको पतित होता देखकर हमको सावधान करना, तो हमारा कुछ ऐसा हुआ हम आपको देखेंगे, हम आपको सावधान करेंगे। भावनाएं बहाना तो अच्छी बात है, लेकिन भावना बहाने के अधिकारी वो है जो वर्तमान को नहीं खोते, वे भविष्य की भावनाएं बहाए। तुम कह रहे अगले भाव में समझाने आना, इस भाव में जब हमारे इतना उपकार है तुम्हारे ऊपर, यहां पर तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है। जब हमारा कुछ कुछ रहेगा ही नहीं, तुम कब सुनेगा हमारी? तो ये खोखली भावना बहाने से भी काम नहीं निकलता। जितना है उसको यूटिलाइज करो, धर्म को यूटिलाइज करो। अभी जो प्रतिकूलता है हमारे जीवन में है, ये दुगुनी चौगुनी रफ्तार से चेन रिएक्शन है, एज अ चेन रिएक्शन ये अभी बढ़नी ही बढ़नी है। अभी घटाओ तो उम्र नहीं चलेगा। हम स्वयं सजग रहे, स्वयं से छलावा नहीं करे, उत्तम आ जाओ। स्कूल में आप सब लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, बहुत छोटी, जैसे पंचतंत्र की कहानियों में से होना चाहिए। ये एक लकड़हारा था, लकड़हारा उड़कटर, एक दिन उसकी गलती से कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, तालाब में। आपको याद आ रही कहानी? वहां से देवी प्रकट हुई, बोली तीन में से दिख रही, कौन सी थी? लोहे की थी सामने ही। तो जो जीव पर वस्तु में कभी भी विमोहित नहीं होता, प्रकृति उस पर सहज स्वयं फिदा होती है। जो दूसरों को दूसरे जिसको देख देख कर मुंह में लार छुटती है, ऐसे भोग स्वयं उसको मिलते हैं। खुश होकर उसको सोने की कुल्हाड़ी दिलाई पंचतंत्र वालों ने, और जगत वालों को, पाठक जनों को, वाचक जनों को यह कहा कि लोक की प्रवृत्ति नहीं रखना, उसका फल अच्छा होता है। और उसको देखकर दूसरा गया और पर्पस भी उसने फेंक दी, कुछ नहीं मिला उसको, ना कोई आया। ये स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये मॉरल है, ये नैतिकता हमने जीवन भर पढ़ी है। आज तत्व ज्ञान पाकर हम रिवर्स कैसे आ गए समझ में नहीं आती। उत्तम सोच को अपने जीवन में अंगीकार करें। एक साधारण स्वप्न बोलो, एक साधारण स्वप्न राजा हरिश्चंद्र ने देखा था। स्वप्न में इतना ही देखा था, राज दरबार में बैठे हैं, कोई कुछ मांगने आया, क्या चाहते हो? भिखारी आया, साहब क्या चाहते हो? बोलो, जो गावपति को हो, बोलो, सब पूरा राज्य चाहिए, ले लो। स्वप्न में देखी हुई बात थी। जैसे ही स्वप्न से उठे, दरवाजा खोलकर एक भिखारी देखा, पूरा राज्य उसको दे दिया। एक सत्यनिष्ठता जो काल्पनिक, एक स्वप्न की दुनिया में जिसने किसी को वचन दे दिया, उस पर अड़िग रहे। फिर कैसी कैसी हालतें हुई, जिन्होंने कभी नाटक देखा होगा उसका, एक सामान्य लौकिक सत्य के पीछे पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। हमारे पास परम सत्य तत्व मिला है आज, परम सत्य सत्स्वरूप शुद्धात्मा की खबर हो गई है, सत शास्त्र देव शास्त्र गुरु मिले है। यहां पर जीवन हमको समर्पण करना चाहिए, कुछ भी जोखिम को उठाकर। यदि हम यह करते हैं तो देर विल बी नो लॉस। बात आई है तो कह दो, महात्मा गांधी जी जो ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने पढ़ी होगी, गांधी जी ने सबसे पहले अपने जीवन में यह नाटक देखा था जिससे उनका जीवन बदल गया। गांधी जी कहते हैं ये नाटक देखने के उपरांत हजारों दफे मैंने उस नाटक को देखा नहीं, खेला, और वो स्वयं राजा हरिश्चंद्र बनकर कि मानो मैं स्वयं हरिश्चंद्र हूं, सत्यवादी, उसका आदर्श बनाकर जीवन भर सत्य का पालन उन्होंने किया था। अजय गांधी जी की उसमें आता था, संयम की काफी चर्चा हुई।
कितना भी कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कोई कुछ भी कर ले, अर्थात सम्यक्त्व अंगीकार करे, अनुवृत्ति भी अंगीकार करे, उसकी भक्ति पूजा जय जयकार सर्वथा निषिद्ध बताया गया है जैन शास्त्र में। असंजदम न वंदे दर्शन पादुर की मूल गाथा है, असंयमियों को कोई वंदन नहीं हुआ करता। जिनका सम्यक्त्व अभी संकट के घेरे में था, जिनका सम्यक्त्व अभी पूरा संकट के घेरे में था, उनको पुजवाने का आग्रह दुराग्रह क्यों? टोडरमल जी ने इतना कड़ा प्रहार किया है, क्या सोचकर करते हो नमस्कार, क्या करते, क्या करके जय जयकार करते हो, क्या सोचकर? यदि सम्यक दृष्टि सोचकर करते हो तो सम्यक्त्व का तो कोई पैमाना ही नहीं। एक प्रकरण आपको बताना कहां पर चल रहा है, सम्यक्त्व का तो कोई पैमाना नहीं। और फिर सम्यक्त्व अपेक्षा यदि पूछते हो तो सम्यक्त्व की प्रसिद्धि सर्वार सिद्धि के देवों में है, उनकी पूजन क्यों नहीं करते? एक यदि भक्ति अपेक्षा पूछते हो, भक्ति की अधिकारी से पूछते हो, तो भक्ति की अधिकारी तो बोलो स्वधर्म में पाई जाती है, उनको क्यों नहीं पूछते? यदि सम्यक्त्व की अधिकारी हो तो उनको पूजो सर्वार सिद्धि वालों को, भक्ति की अधिकारी हो तो स्वधर्म को पूजो, इनमें भला क्या दिखा तुमको? ऐसा प्रकरण बोलो। धर्मेंद्र पद्मावती पूजन निषेध, जिनका भी चौथे भी संकट के घेरे में, संकट के पूरे घेरे में है जिनका अभी चौथा गुण स्थान भी, और होता तो भी वे पड़े हैं ना, फिर तुमको करना ही था सम्यक्त्व की अपेक्षा, तो उनकी करो ना फिर सर्वार्थ सिद्धि वालों की, और भक्ति अपेक्षा करना है तो स्वधर्म की करो। असंजद न वंदे, संयमियों को किसी प्रकार कोई वंदन नहीं हुआ करता। वंदनीय पद अंगीकार करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, उसके लिए भाल सो भुवनवास, जो भाल समान निरंतर चुभने वाला भुवनवास है, बनारसी दास जी के शब्दों में, इनके शब्दों में काली का जल की कोठड़ी में कैसे घुसया न जाए। अभी घर में रहे और उसकी पूजन भक्ति होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। संयम को अंगीकार करने की खूब प्रेरणा कर हुई त्रिलोकी पूज्य उस प्लेटफॉर्म आने के लिए, पर आने के लिए। अभी आईलेट भी कम है, आईलेट को भी स्टैंड अप गो सिट इन दैट रो, आप समझे मेरी बात को? आप समझे क्या बोला? कहा धन पकड़ना चाहिए और अवंतरा दिन खूब होना चाहिए, अवंतरा दिन खूब होना चाहिए। मैंने कॉलेज लाइफ में सब अध्ययन किया है बहुत सारा, धर्म के रुचि तो कोई सवाल ही नहीं था, तब तो जैन भी नहीं था। रीडिंग हर सेक्टर में चाहिए, रीडिंग कीप्स यू सिक्योर, जिसको रीडिंग की आदत है उसको कोई व्यसन कभी भी नहीं लग सकता, उसको फ्रेंड सर्कल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अकेले में आनंद करने की उसकी ताकत होने लगती है। अभी कुछ कह रहा था, कहा तक था मैं स्टैंड अप, गोइंग टू दैट रो, ये 12 कोर्ट में भी समोशन, यू आर नॉट वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, यू आर एज गुड एज, तुम तो जैसे मिथ्या दृष्टि जहां पर बैठे वही तुम जाकर बैठ जाओ। आई लव को भी ध्यान रखना, आई लव को भी नमोस्तु, वंदना वंदा में नहीं हुआ करता, इच्छा में इच्छाकार के ही पात्र है, दैट्स ऑल, इससे बढ़कर कुछ नहीं। देव शास्त्र गुरु ये उच्च पद पर है, इन्हीं को नमोस्तु नमस्कार वंदना वंदामी पर्यायवाची इन्हीं को लागू होगा। आई लव को इच्छा में इच्छा का अपने अपने लायक वे भी पूज्य पद को प्राप्त है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे अष्ट द्रव्य आदि से कोई पूजे साष्टांग नमस्कार, ऐसा कुछ नहीं होगा। और नवी प्रतिमा तक केवल जय जिनेन्द्र का व्यवहार चलता है, अति नहीं करना, अति नहीं करना, मर्यादा का लोप नहीं होना चाहिए, तप की चर्चा चलेगी, उत्तम तप की।
कपसा निर्जराज है ऐसा एक सूत्र है तत्व सूत्र का, नव्याध्याय का सूत्र। नव्याध्याय में संवत निर्जरा का निरूपण है, तपसा निर्जरा च ऐसा सूत्र है, तब से भी निर्जरा होती है ऐसा एक सूत्र है, गुप्ति समिति आदि से भी होती है ये कहना है उनको। अभी छोड़ इस बात को, मुद्दो तप का प्रकरण है, एक सूत्र ये बोला तब से निर्जरा होती है। सेकेंड, स्वाभाविक रूप से सबका प्रश्न है तब क्या चीज है, सबका प्रश्न है तब क्या चीज है, आस्क। तब अनशन अमोदर वृत्ति परिसंख्या विविध शय्यासन रस परित्याग काय क्लेश विनय वैयावृत्य क्या है प्राश्चित स्वाध्याय विपसत ध्यान बारह। अच्छा लगाओ, फॉर्मुलेट करो इनको, इन बारह तपों से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है, इनसे मोक्ष होगा। सूत्र आ गया, सूत्र तत्व और सूत्र आगम का ग्रंथ है, व्यवहार प्रधान ग्रंथ है, द्रव्यनियोग है लेकिन व्यवहार प्रधान है। बेसिक कंसेप्ट से आज हम बहुत दूर है, कोसों दूर है। चरणानियोग व्यवहार का ही ग्रंथ होता है ऐसा नहीं होता भैया, नियमसार चरणानियोग का ग्रंथ होते हुए भी निश्चय प्रधान ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चरणानियोग का ग्रंथ होते हुए भी निश्चय प्रधान है। द्रव्यनियोग का कोई ग्रंथ है तो कोई अध्यात्म होता है ऐसा नहीं होता है, सभी द्रव्यनियोग के ग्रंथ निश्चय परक नहीं हुआ करते, सभी चरणानियोग के ग्रंथ व्यवहार परक नहीं हुआ करते। आपको थीम मिलेगी पढ़ते पढ़ते, आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, या ऐसे कहीं लिखा दिखा आप कहोगे तो ऐसे कहीं लिखा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तत्व सूत्र तो ऐसा कहता है कि बारह तप जो करेगा वो उसको क्या मिलेगा, निर्जरा मतलब मोक्ष। लगाओ झड़ी, लगाओ झड़ी, लगाओ लगाओ लगाओ। तो भैया भरत जी थे, भरत जी उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया उपवास, और जिनको जिनका संगनन धर्म आदि की प्रबलता की मुख्यता हो ऐसे तीर्थंकरों की अपन बात ले गए तो अजितनाथ से लेकर महावीर तक एकदो उपवास करके सबके सब दबादम भोजन करते सब करते, आंतरा मिली वो बात अलग महावीर को, बाकी तो किसी का कोई प्रसिद्ध भी नहीं है। अरे तर्क युक्ति से कुछ बात बैठने लगी, तत्व सूत्र वाले ने जो कहा था उसमें कुछ दोषण लिख रहा है। भरत जी ने कुछ भी उपवास नहीं किया, उनका काम हो गया और मुनिव्रत धार अनंत बार विवेक उपजाए, मुनिव्रत हुआ फिर कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, इतना करके भी कुछ नहीं, बिना करके भी हो गया, नियामक कारण नहीं हो सकता। टोडरमल जी ने कारण मीमांसा नव्याध्याय में लिखी है, वहां से जान ले तीन प्रकार के कारण कहे, कुछ कारण ऐसे है हो न हो तो भी, न हो तो भी हो सकते और हो तो भी नहीं हो, जैसे व्रत तपादि। एक कारण ऐसे है जो नहीं होगा तो काम तो नहीं होगा, और होगा तो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जैसे नग्नता, जैसे नग्नता। और एक नियामक कारण है जैन दर्शन में, जिस कारण से मुक्ति होना कहा है उस कारण से मुक्ति होती ही होती है ऐसा नियम है, अन्यथा कारण से नहीं ही होती है ऐसा नियम है। इसको न्याय की भाषा में अन्यथा अनुपपत्ति कहते थे, अन्यथा अनुपपत्ति, अनुपपत्ति 17वीं 18वीं गाथा की टीका समय सा रत्नत्रय को नियामक कारण का, यह होने पर होगा ही होगा और ये नहीं होने पर नहीं ही होगा, अन्वय व्यतिरिक्त दोनों घटित होना चाहिए, दो तरफी व्यक्ति चाहिए इसमें, वहां से जान लेना ठीक। शंकाकार समझ रहा है कैसे रास्ता निकले, कैसे रास्ता निकले, वो बेचारा कुछ भी करने के लिए तैयार, वो तो बताओ फिगर बताओ हमको और सब लिस्ट दे दो हमको तो आप
हमको क्या क्या करना, क्या क्या छोड़ना, हमको तो लिस्ट दो, तो ये आ रहा है। लेकिन व्यक्ति तो कुछ भी नहीं बैठ रही है, एक जन बिना करे हो रहा है, एक जन तो कर करके कुछ ही नहीं हो रहा है, अभव्य भी हो सकता है वो, क्या करे, कौन सॉल्यूशन दे सकता है इसका। समय सार की अपन बना लेते, समय सार परमठम हिदो अठिदो, अर्थ समझ में आ रहा है, परमठम हिदो अठिदो कुनदी तवम वदम च धारिदी। परमठम हिदो अठिदो, परमार्थ में जो अस्थित है, परमार्थ में जो अस्थित है, स्थित नहीं है। परमठम हिदो अठिदो कुनदी तवम वदम च धारिदी, सो सव बाल तवम वो सब बाल वर्ग बाल तब के खाते में डाल दो। ध्यान रखना कुतप और कुव्रत की तो कैटेगरी अलग है, ये तो प्योर बहुत अच्छे द्रव्यलिंगी जंगल विहारी की बात चल रही है। आगे आग बहुत जिनका ये मिथ्या आक्षेप है, जबरन हमको टारगेट बना रहे, जबरन टारगेट नहीं बाबा, तेरे को नहीं टारगेट बना रहे कोई, यहां पर टारगेट ओनली द्रव्यलिंगियों को किया है। गेटिंग नहीं समझा रहे। कुनकुन स्वामी ने टारगेट द्रव्यलिंगियों को किया है, तुम जो कहते हो हमको किया है, तुमको नहीं किया है टारगेट। बोलो, जिनका द्रव्यलिंग ही अभी संकट में है उनको टारगेट नहीं किया है कुनकुन स्वामी। ऐसी दो पांच जगह निकलेंगे मुश्किल से पार्श्वस्थ मुनि के रूप में, जो टू द पॉइंट आचरण है उन्हीं की खूब धुनाई हुई। तुम मोफत में ये कहकर कि हमारे ऊपर तुम मत घुसो, इसमें अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है। कैसे मुनि है वे, आत्मानुशासन में लिखा है, हजारों पेड़ जैसे खड़े है वैसे भी ये जंगल में कपता रहता है, ऐसा वो मुनि न पश्यति, आत्म स्वभाव को नहीं देखता है। इसीलिए मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे मुंह से 14 दफे क्या बोला, 14 दफे कलशों में समय सार के समापन में क्या बोला, पशु है वो, पशु की क्या परिभाषा कर रहे हैं वे, नई परिभाषा, न पश्यति थी, पशु नहीं देखता, अपनी आत्मा को नहीं देखता, इतना करने पर विपरीत नहीं मानना, आचरों की कथनी को विपरीत नहीं मानना। चुके जो छलम न गए तो हम पहले वॉर्न किया है, वॉर्न करने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा तो टीका है पढ़ो, विद्वानों से पूछो, आपस में विचार विमर्श करो, वितरागी तो अन्यथावादी नहीं हुआ करते, उनको तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, निष्प्रभ हो उपदेश दिया। नेक्स्ट, वदनीय मान धरंता, शंकाकार खड़ा है समय सार वालों के सामने, व्रत तप का कुछ बताओ हमको सो। वद नियमानि धरंता शीलानि तह तवं च कोमता, परमठ बाहिराजे मुनिनो निर्वाणं तेन विन्दन्ति। उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, वहां पर तो ऐसा लिखा है तत्व सूत्र में, फिर इसकी संधि कौन जोड़ेगा, इसकी संधि कौन जोड़ेगा। टोडर मज्जी के कोर्ट में चलो, टोडर मज्जी के कोर्ट में चलो, सब वहां पर ऐसा लिखा, पत्थर सूत्र में तो ऐसा लिखा है, बताते। समय सार की बात समझ में आती है, व्याप्ति से भी समझ में आ रही है, लेकिन वहां पर ऐसे क्यों लिखा, बताते। कूल डाउन। अन्नम वही प्राण का अर्थ समझते हो क्या, अन्नम वही प्राण का अर्थ समझते हो, फ्लैट है एकदम। अन्नम वही प्राण का अर्थ यह होता है कि अन्न यह प्राण है,
अन्न ये प्राण है कि नहीं प्राण है। टोडरमल जी कहते हैं अन्नम वही प्राण सुनकर, अन्न ये प्राण है ये सुनकर कोई अन्न का बहुत संग्रह करे वेयर हाउस स्टोर हाउस में और 10 प्राण रूप 5 इंद्रिय 3 बल आयु श्वास रूप प्राण को नहीं जाने, वो तो मरा, वो तो मरेगा। वो प्राण कहा है अन्न को संग्रह की अपेक्षा नहीं कहा है, वो प्राण इस प्राण से जोड़ने के लिए कहा है। वो कारण का कारण, कारण के कारण में कारण का उपचार किया था। बात को समझो, जीजा के जीजा को जीजा कहा था, मामा के मामा को मामा कहा था, पेपर वर्क पर कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन इतने रिश्तों के कहां से नाम ढूंढ कर लाए, तो काम चलाओ था। वो कारण के कारण को कारण कहते हैं। तब इच्छा के निरोध से होता है, ये कारण है इच्छा का निरोध का बहिरंग, ये कारण बाहर के, ये मोटे मोटे बाहर कारण है। ये कारण का कारण जानकर इनको कारण कहा, लेकिन कोई संग्रह तो खूब करे अनाज का, खूब उपवास करे और इसको समझे ही नहीं, शुद्ध उपयोग के लिए सब यत्न है, वो तो मरेगा। पीछे समझ में आ रहा है सबको? पीछे इतने लेट आते हैं यंगस्टर्स भी, 10 दिन तो इनको पेशेंस रखना चाहिए, उनको फर्स्ट मिनट में आना चाहिए। बात समझने नहीं समझने की नहीं है भाई, नहीं समझने जैसी तो कुछ है भी नहीं। वैसे मैंने मेरे जीवन के पहले 8 महीने जब मैं धर्म मार्ग में आया 24-25 साल के बाद, तो 7-8 महीने पहले कसम से एक शब्द भी नहीं समझा मैं विद्वान का, और फर्स्ट बेंच पर बैठता था। बेंच पर मतलब पहले सीट पर बैठकर नोट करता था, समझता कुछ भी नहीं था ये क्या बोल रहे। न्याय की क्लिष्ट चर्चा चलती थी, न्याय की, न्याय की टीका हो गया, इतना ही समझता था कि इसी में से कुछ मार्ग खुलने वाला है। इतना तो पेशेंस हर सेक्टर में होना ही चाहिए आपको, आपको धगज होना चाहिए, धगज। मैदान छोड़ने वाला का काम नहीं है, दर्जी का मार्ग है। और फिर आगे पीछे पूछे, आगे पीछे पूछे, कह आखिर कहे वो विद्वान मत दिमाग चाट, इतना चाटे, समझ में आ रहा है? होना चाहिए ऐसा। लोग ऐसे भी कहते सब समझ में नहीं आता, मैं बहुत टाइम पहले ऐसा कहता था, समझ में नहीं आता। मैं कहीं भी जाता हूं तो प्रेरणा करता हूं आपको रोज आना चाहिए बारहमासी की सभा में, तो लोग ये कहते भाई समझ में नहीं आता हमको, तो फिर क्या करते हो उस टाइम में? तुम दुकान में बैठते हो तो दुकान में समझ में आती है? नहीं सर, समझ में जब यही पर नहीं आ रही तो बात तो एक ही हुई, एक ही नहीं हुई, एक नहीं हुई। यहां समझने का अवसर चालू है, वहां अवसर भी नहीं है। समझना तो दोनों जगह नहीं है, ये तो मैं समझता हूं। यहां पर अवसर यही पर आएगा, वहां पर अवसर नहीं आने वाला है। तुम्हारे दुकान में ग्राहक आने वाला है, वहां पर माता खाने तुम्हारा कल्याण तुम जानो भैया, हम क्या करें, हम क्यों परेशान हो तुम लोगों के पीछे। लेकिन ऐसी उपलब्धि नहीं हुआ करती, भगवान के भरोसे ऐसी नैया छोड़कर 10 दिन ऐसा काम चलता है क्या? कहां तक आए? कारण के कारण को कारण बोला। यदि अन्न को हमने प्राण कहा तो 10 इंद्रिय तक जोड़ने के लिए प्राण कहा। आगे सुनो, 12वां भी प्राण हम कहने वाले हैं। कौन सा सबसे बड़ा रुपया? 11वां प्राण कहा अन्न को, 12वां प्राण कहा धन को, और ऐसी चेन लगा सकते हैं कारण का कारण, कारण का कारण। लेकिन धन को तिजोरी में रखने वाले मर रहे हैं, जी थोड़ी रहे हैं।
तू अनाज भी लाकर रखेगा स्टोर हाउस में, तू उससे थोड़ी जिएगा, मरेगा। इंद्रियों तक लाओ, उपवास भी करेगा, अनिशना मोदर आदि भी करेगा। बोलो बोलो, शुद्धोपयोग तक लाओ। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण कहा है? शुद्धोपयोग के लिए बाह्य कारण थे, कारण का कारण में उपचार आगम का ग्रंथ था। वो इच्छा निरोध तपा, जिनको इच्छा का निरोध हो गया उनको तप हो गया। टोडरमल जी कहते मूल कारण तो यही था, वो तो बाहर की बात करी है उन्होंने। ज्ञानियों को भी तो इच्छा होती है क्या? वे भी तो उपवास आदि करते हैं। टोडरमल जी का पूरा स्क्रिप्ट चल रहा है, साइन मिला तो मेरा चलेगा। टोडरमल जी काफी है क्या क्या प्रश्न आया शंकराचार्य का भी? ज्ञानियों को भी तो उपवास की इच्छा है। अब इतने धक्के मार के जो बाहर निकाल रहे हैं, और फिर थोड़ा मूड बदल गया है उसका इस प्रकरण में, फिर कह रहे ठीक है नहीं पालेंगे अब उपवास, ऐसा बोल रहे होते। आखिर ट्विटर में जिन्हें पहले भी दिया था, क्रोध मान माया हो, ज्ञानियों को भी नहीं देखता फिर नहीं पालेंगे। अरे तो किसको धमकी देता है? टोडर मोदी कहते हैं पाल तो पाल, नहीं पाल तो नहीं पाल, ऐसा कोई निहाल नहीं करने वाला है तू, लेकिन तू इतना बता जाने के पहले हमको, नहीं पाल के क्या करेगा ये बताओ बस। तो दुपयोग तेरे बस की है क्या बेटा? तुम यही जो चल रहा है ठीक चल रहा है तुम्हारा, हम तो अच्छी बात बता रहे हैं तुमको। उपदेश टोडर मोदी की इसी में भाषा है, 232 पेज पढ़ लेना। कह रहे नहीं पालेंगे बेटा, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। उपवास भी नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? खान पान की प्रवृत्ति से निहाल होगा क्या? अरे अनंत हो गए उपवास से, कुछ नहीं हुआ तो खाने पीने में उससे अनंत बढ़ गया है, और उसका भी फल बहुत खराब आया है। को उसका फल बहुत अच्छा है ये नहीं कह रही है, वो तो लौकी कर दी है वो मार्ग को, वो ट्रैक को पहले ही नाकाबंदी हो गई वहां पर। तू वहां पर पीछे तो मुड़ के जाने का काम ही नहीं है। सजग बन, होशियार बन, नम्र बन, उन्हीं को पूछो क्या गलती है, वो जो मार्ग दिखाएंगे उस पर चलो। क्या प्रश्न है उसका अभी? क्या प्रश्न है बोलो भैया? ज्ञानियों को भी तो उपवास की इच्छा है, जो इतने धक्के मार रहे हैं उपवास को, नहीं है इच्छा ज्ञानियों को, नहीं है इच्छा उपवास की। बोलो बात को पूरी करो। अरे ये एकदम डायलॉग है, ये एकदम सुंदर। टोडरमल जी ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को एक शुद्ध उपयोग की इच्छा है। उनका उत्तर उसका प्रश्न था, ज्ञानियों को भी तो उपवास की इच्छा है, ज्ञानियों को उपवास की नहीं शुद्ध उपयोग की इच्छा है। प्रोडर मुझे उत्तर देते हैं, बहुत प्रसिद्ध आपने घटना सबने सुनी होगी, सुनिए मैं उसको थोड़ा सा गहराई में ले जाऊंगा उसी उदाहरण को। दो जन सामने आए मुनिराज के, आचार्य के सामने दो मुनि खड़े, तुम्हारे बारे में शिकायत आई हो, तुम्हारे बारे में भी आई शिकायत सर, सावक के काल में प्रमादी हो जाओ, पर सेम तुम्हारी भी शिकायत आई, दोनों की शिकायत है। काम करना 75 years ओल्ड कोई मुनि है सामने खड़े, मैं काम करना, कल से तुम आहार करने के लिए जाओगे, नाटक नहीं चलेगा उपवास का तुम्हारा। सुनो मैं तो क्रीम खोलूंगा कुछ सेकंड। 25 years ओल्ड युवा, तुम कल से आहार करने के लिए नहीं जाओगे। उनको क्या कह रहे हैं 75 years old को? तुम आहार करने जाओगे कल। इनको कह रहे हैं आहार करने नहीं जाओगे, तुम आहार बहुत कर रहे हो, तुम्हारी उम्र है अभी, तुम उपवास करो, सुखाओ शरीर को, झूलो मत तुम सामयिक के काल में। और सुनो भैया तुमको कमजोरी बहुत आ रही है, तुम उपवास तो उपवास उपवास को उपवास धमाधम कर रहे हो, खाओगे नहीं तो शिथिलता आएगी। नींद आने के दो कारण होते हैं, एक अधिक भोजन और एक कम भोजन।
किसी को साइंस पता होगा थोड़ा, एकदम नींद नींद से एकदम कमजोरी से नींद, कमजोरी में भी खूब नींद आती है, थकता है आदमी फटाफट, उसको ज्यादा खाना उपाय है तो नींद भागती है उसकी। उसको कहा, सेकंड पर्सन को कहा, तुम भोजन करने नहीं जाओगे कल से, जाओगे। वो तो तप हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि भोजन करने की इच्छा थी, अगर कल से नहीं होगा तो तप हो गया उसका। तो इनका क्या हुआ, इनका भोजन करना तप हो गया, दिस इज जैनिज्म। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा तो उपवास करने की थी और इच्छा का निरोध कर दिया। शुद्ध उपयोग की प्राप्ति के लिए एनी हाउ शुद्ध उपयोग होना जरूरी है, एट एनी कॉस्ट दिस थिंग शुड हैपन। खाके करो, भूखे रहकर करो, प्रायरी इस चीज को रखो, इस चीज को। मर्यादा का उल्लंघन का तो सवाल नहीं है, फिर में तो कोई ये कहेगा सब रात में खाकर हमको तसल्ली होती है, बड़ी आपत्ति है। मर्यादा का उल्लंघन की बात नहीं चल रही है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं, रोज एक बार का जो उनको भी काटना है, ये तो दे दिया दंड, जाओ डिस्पर्स मेरे खाते में, इनको चार उपवास दिए है, मेरे खाते में दो उपवास डाल रहे हैं। अब जानते हैं मुनि संघ का रूल क्या चलता है, किसी को प्रायश्चित के रूप में कुछ दिया स्वयं भी नहीं देते, शेयरिंग नहीं करता। अच्छा कितने, और फिर शेयरिंग ही नहीं है ये, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। अब समझे, मूल आचार प्रायश्चित के ग्रंथ पढ़ना, आचार्य बनना कोई साधारण नहीं है, धड़ाधड़ ऑर्डर निकाल दे इस पर ये चार्ज लगा दे उस पर, उसके बराबर ये भी करते हैं। उनको ऐसा भी ख्याल में आया, ये प्रायश्चित है हमारा, तुमने गलती कैसे करी आज, और उनको बहुत फील होता है अपने दस उपवास नहीं अकरते, हमारे पीछे उनको करना पड़ रहा है, अकरता है उनको। कहां तक आया भैया, कहां तक आया, ज्ञानियों को उपवास की इच्छा। अभी अभी अपने जो घटनाएं देखी दो उसमें जानने लायक है, पहला व्यक्ति जिसको कल से भोजन करने के लिए कहा है उसके लिए वो तप है, क्योंकि इच्छा का निरोध इस डेफिनेशन से चल रहे। अभी क्या हाल है उपवास का, उपवास का क्या स्वरूप बताया है, उपवास का ये स्वरूप बताया शराब का चरण वगैरह ग्रंथों में, उस दिन सजेगा नहीं, सजेगा स्नान नहीं करेगा, ऐसा लिखा है हमको, तो स्नान नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन आज भी प्रेस्ट कपड़े तो हमको चाहिए परों में। और तब इच्छा का निग्रह किसको कहते हैं, दस दिन परों के इच्छा का निग्रह किसको कहते हैं, नहीं साबुन के बिना कैसे लगता है फिर कपड़ों को धोना, इच्छा का निग्रह किसको कहेंगे। जानते हैं आज भी, आज का तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, कन्यादाना में सालों तक कहते हैं सभी अष्टमी 14 पर्वों के दिन मार्केट में, मार्केट की बात कर रहा हूं, मार्केट जहां पर नॉन जैन बेचने आते, पहले तो मार्केट में बिकती थी ये चीज, ऐसे थोड़ी ना दुकान बनी थी पहले ऐसे कुछ, मार्केट में भी सोडा साबुन बिल्कुल नहीं बिकता था, सबको तिथियां पता रहती थी। और आज भी एक दुकान है पुजारी जी की दुकान है, आज भी दुकान में आजीवन उन्होंने कभी कुछ बेचे नहीं साबुन सोडा, आज भी नहीं बेचते, चल रहे थे। और अष्टमी 14 को बेचने वाले नहीं बेचते, एक्चुअली ऐसे है हालत है ऐसे। मैं पहली बार गया वहां पर आज से 12 साल पहले, आज भी याद है मैं कैसे गया था। फिर ढूंढता ढूंढता मार्केट गया, तो नींबू परचेस कर रहे थे, तो मैंने कहा नींबू देना, तो नींबू तोल के दिए उन्होंने लेडी ने, तो मैंने कहा नहीं बैग नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही दे दो आप। तो आपस में बोलने लग गए दो लेडीज एजेंट की,
तो बुंदेलखंडी भाषा में ये बोल रही थी, मुझे बुंदेलखंडी पहली बार सुनी तब मैंने, नियम हुई है कचो मुझे तो महिमा इस बात की आने लग गई, मुझे तो महिमा कोई बुंदेलखंडी लैंग्वेज की थोड़ी है, कुछ वो ये वर्ड बोली थी, नियम हो गए इनका कुछ, मेरे कोई जान पहचान का कोई चिन्ह नहीं था। तो मैं सफेद कपड़े भी नहीं पहनता था तब, पहले पहला दिन था मेरे वहां पर आने का, और मैं किसी को जानता पहचानता नहीं था, ना कोई मुझे जानता पहचानता था। मैं तो मेरी बच्ची के पीछे वहां पर आया था, और बच्ची को कहा प्रॉपर संस्कार मिल सकते हैं, क्योंकि अपना तो जीवन जैसा गया सो गया, अभी इसको बचपन से ही संस्कार मिले इसका मैंने थोड़ा सा सर्वे किया। तो मुझे किसी ने खनिया थाना फोन किया, प्रिंसिपल से बात हुई, किसी ने फोन नंबर दिया मुझे, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए, और वो भी इतनी छोटी उम्र में, अभी तो आप बोल रहे हैं 1 साल की है और इतनी छोटी, और वो भी लड़कियों के लिए, ऐसे हॉस्टल थोड़ी हुआ करते, फोन रखते समय इतना ही बोला कि वैसे आप क्या पढ़े हो, अच्छा फिर आप एक काम कर सकते, आप यहां पर आओ, फिर आप यहां पर आकर आप कुछ करते हैं तो उसको माहौल मिलेगा, तो उसको रेडीमेड संस्कार मिल जाएगा। ये चॉइस उन्होंने छोड़ी, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैंने इंजीनियरिंग किया, इसका थ्रोट डिस्टिंक्शन है मेरे को, यूनिवर्सिटी भी टॉप किया है, लेकिन मेरे को कभी लाइफ में नहीं लगा था मेरे को घर छोड़ना पड़ेगा, और वो भी इस कारण से, धनार्जन के लिए लोग छोड़ते हैं, ये तो दिमाग में था, और ये पक्का दिमाग में था, धनार्जन के लिए तो कभी बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, कितना वेल सेटल्ड बिजनेस था, और फिर बिना कुछ नहीं था सीधा गया। और पहले दिन में वो लेडी से ये बात सुनी, नियम नियम की बात करी उन्होंने, मैं तो ये कह रहा हूं अष्टमी है, 14 है, साबुन सोडा तब भी नहीं दिखता था वहां पर, सब कहते थे, और आप लोगों ने ऐसी परंपराएं सुनी होगी, किसी ने चंद्रगुप्त के काल का इतिहास पढ़ा होगा, किसी ने अन्य नदी राजस्थान के जो राजपूत के जो कहानियां वगैरह पढ़ी होगी, उसमें पर्टिकुलर तिथियों के दिन और खास तौर पर 10 लक्षण, हर अष्टमी, हर 14, हर दूज, हर पंचमी, हर 11 तिथियां सेट थी। इन दिनों कोई भी कुम्हार घड़े नहीं बनाता था, कोई भी तेली तेल नहीं बनाता था, मेरे पास सब प्रूफ है इसके, मैं तो अध्ययन करता हूं उसके बल पर, बोलता सुनी नहीं कुछ भी है मेरे अपने। और ईट भट्टियां नहीं चला करती थी इस दिन, स्ट्रिक्टली अकबर के काल में भी स्ट्रिक्टली ये चलता था, और तो और विशेष रूप से खासतौर पर राजस्थान में ये रूल थे, जैन मंदिर के अगल बगल कहीं भी जीव वध नहीं होगा, जो भी जीव वध के लिए प्राणी छाट लिया गया हो और जैन मंदिर से वो गुजरे, वो प्राणी को छोड़ दिया जाएगा। कितने बड़े से बड़ा अपराधी, यदि जैनी उसको शरण देता है, उस पर कुछ नहीं चलेगा आगे का काम, ये सब रूल्स रेगुलेशन चलते थे। और पीछे चलो, सम्राट चंद्रगुप्त का तो मैंने पढ़ा है, उसमें तो स्पष्ट यह है आदिवासी तक लहसुन वगैरह नहीं खाता, तो स्पष्ट उल्लेख है उसमें, मांसाहार का तो सवाल ही नहीं है, और गाय भैंसों का ऐसा बेचना करना, क्रय विक्रय बिल्कुल नहीं चलता था, मृत्यु दंड भी नहीं होता था उस जमाने में, राजा मृत्यु दंड नहीं दिया करता था, अवसर ही नहीं आता था ऐसा कुछ। टोडर मंजने को दंड दे, आपको याद होगा 8वें अध्याय में, इस छत्र को दंड नहीं है, याद है कुछ 8वें अध्याय में एक उन्होंने लिया है अलंकारिक भाषा, इस छत्र को दंड नहीं है, इसका अर्थ यह है यहां पर कोई दंड नहीं दिया जाता किसी को, अर्थात आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और मृत्यु दंड तो कदापि नहीं। अकबर के काल में ये रूल था, उन्होंने रूल बनाया था, बात आ गई है कि जैसे किसी को नक्की हुआ इसमें कुछ अपराध के, इसको मारा जाएगा। मैंने संलेखना के मेरे प्रवचन हुए है 12-15, तो उसमें पूरा साइंटिफिक अप्रोच से मैंने लिया था, तो उसमें मैंने पूरा लिया है इसको,
तो एस्टिमेटेड डेट है उसकी आज के मरने की, तो उसको जब वहां पर आता था उसको कहा जाता था मेरी तरफ से तुमको 3 दिन और, अपने जीवन में किए गए पाप तुम प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, कोई भी धर्म क्यों हो, जैसा तुम्हारा जन्म गया है अब मरण तुम्हारा बहुत अच्छे से जाए तो प्रतिक्रमण, यह स्पेशली उसको 3 दिन दिए जाते थे, ऐसे सब अपने इतिहास है। आइए कहां तक आए, तो है ना, अभी वैसे समय तो अपना होने को है, चार बातें समझने की है, वैसे लग सकते हैं इसको टाइम है 5-7 मिनट, इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ आपको ऐसे प्रेरणा करने आती है, इंस्पायरिंग चीज है, ऐसे कुछ तात्विक खास चीज कुछ नहीं आती, ये आप लोग सब जानते होंगे कि लोभ हम किसी को कषाय दिखती ही नहीं है, चार कषाय में क्रोध तो हमको कषाय दिखती ही है, लोभ कषाय नहीं दिखते हमको, दिन भर कोई दुकान में बैठा है उसको कोई लोभ ही नहीं कहता, उसको कोई कषाय नहीं कहता, एक सेकंड, कोई पानी छान रहा हो, पानी छानने वालों को स्वयं को भी और औरों को यह कभी नहीं लगता ये कितने बड़े दानी हैं, जबकि वो बोलो बोलो बात को पूरी करो, अभय दान चल रहा है उसका। 2-3 चर्चा कल और परसों में विशेष आने वाली है, कल और परसों रात्रि में इसकी जो करूंगा, बस कहकर छोड़ो, 5 पाप में हिंसा झूठ चोरी कुशी जैसे पाप हमको दिखते हैं, परिग्रह ऐसा खुलकर नहीं दिखता, खुलकर मतलब बहुत अच्छे से, तो हमारा लड़का किसी का खून करके आए, किसी की छेड़छाड़ करके आए, चोरी करके आए, तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, और वो कुछ कमा के लेके आए तो माँ बाप कभी कहते हैं तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, तुमने क्या कर दिया, उसकी पीठ ठोकी जाती है, ये कुछ पाप के ही फेजेस है ये सब, और कोई पाप बड़ा छोटा नहीं बताया है जैन शासन में, न जाने ऐसे कुरीति आ गई, कल परसों विशेष चर्चा चलनी है पूरी घर की, इसलिए अभी तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और चौथी बात जो कहनी है, सब तप करते हुए स्वाध्याय करते समय हमको, हम तप कर रहे हैं ऐसा हमको लगता ही नहीं है, जबकि एक पुराण की स्पष्ट पंक्ति है कि स्वाध्याय परम तप है, क्योंकि 12 तपों में एक स्वाध्याय ऐसा तप है जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति कराने के लिए अन्य किसी में क्षमता नहीं है, और टोडरमल जी ने जब तप का पीठिका में सम्य ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में वो शंकाचार्य कह रहा था तप करो तो कोई दम है क्या स्वाध्याय करना, तो टोडरमल जी ये पूछ रहे थे तू तप करना चाहता है तो बहिरंग तप करोगे क्या अंतरंग, और बहिरंग तप से अंतरंग तप श्रेष्ठ है, स्वाध्याय फिर भी श्रेष्ठ है, तू स्वाध्याय करने लायक है, ऐसा उत्तर दिया था। अभी कुछ और एक बात आई थी, और एक बात टोडरमल जी की, और एक देन बीच में तब का जब प्रकरण चला टोडरमल जी ने एक नया स्क्रिप्ट खोला है जो आज तक हमारे पास नहीं था ऐसा, उन्होंने 12 तपों का वर्गीकरण किया है नए रूप से, 6 बहिरंग तप 6 अंतरंग तप ये तो दुनिया को पता है, कैसे उन्होंने ये लिखा उसमें, इन अंतरंग तपों में जो बहिरंग क्रियाएं हैं उसका वर्गीकरण उन्होंने बहिरंग तप में किया है नई चीज, और बहिरंग तप में जो अंतरंग परिणामों की विशुद्धि है उसको उन्होंने अंतरंग तपों के अंतर्गत गर्भित किया है, ये नई देन है, बहिरंग तप बहिरंग तो इसलिए कहते हैं दुनिया वालों को दिखता है, दैट्स ऑल, अंतरंग के जो परिणाम हो वो अंतरंग तप में चला जाए। मुझे तो पुनः आपको यह कहना है स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है, प्रवचन सार में तो यहां तक बात आई कि हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हम क्या करें, प्रश्न आया छटपटाट बहुत है, मोह कक्षय तो करना ही है, मोह कक्षय करना है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हम, बस नहीं कर सकते, वैसे उपाय बताया था कि जो अरहन को द्रव्यपने गुणपने पर्यपने जानता वो अपने को जानता है, जो अपने को जानता है मोह कक्षय होता है, ये गाथा सबको परिचित हो गया, सीधी
जो स्वयं को जानते मोक्ष होगा, नहीं जान सकते स्वयं को, आत्मा की बात छोड़ के बोलो, कोई अदर ऑप्शन है? तो टोडरमल जी ने, सॉरी ये कुनकुन स्वामी ने 86वीं गाथा लिखी है, जिसमें कहा कि ठीक है, जो जीव आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते और मोह का क्षय चाहते हो, उनको हम एक दूसरा उपाय बताते हैं। उसको उत्थानिका लिखी है अमृत चंद्र स्वामी ने। अब हम मोह क्षय का उपायांतर लिखते हैं और नीचे ये गाथा लिखी है 86वीं कि यदि मोह चयो तम असत्यम समधि दवम। जो शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करेगा, निचली लाइन मैंने पढ़ी है, जो शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करेगा उसके मोह का क्षय होगा। ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? टीकाकार ने हालांकि फिर टीका में स्पष्टीकरण करने का पूरा प्रयास किया है, बाबा वो तो कारण के कारण को जानकर कारण बोला, यहां पर भी वही अपेक्षा है कि तू स्वाध्याय करेगा तो आत्मा को जानना सुलभ हो जाएगा, जानेगा ही तू फिर, और जिसने आत्मा को नहीं जाना फिर उसने शास्त्रों को भी नहीं जाना। वहां पर एक उदाहरण दिया उन्होंने, कोई तलवार को लेकर शस्त्र विद्या में प्रवीण जीव, शस्त्र विद्या में प्रवीण जीव अखाड़े में उतरने के बाद निर्दयता से यदि वार नहीं करता है, सुबह भी एक ऐसा उदाहरण आया, अभी भी एक उदाहरण चल रहा है, क्या आया? शस्त्र कला में निपुण होने पर भी अखाड़े में उतरने पर जो निर्दयता से वार करना नहीं जानता वो तो मरेगा। शस्त्र कला सिद्धांत शास्त्र कला में गठित करे, शास्त्र कला में निपुण होने पर ऐसे भी जो कड़ा प्रहार, कड़ा प्रहार मतलब जो आत्मानुभव करने का प्रयास नहीं करता वो तो जाएगा, उसको कुछ भी कार्यकारी नहीं होगा। उपायांतर के रूप में अभी आपके पास भी प्रवचन सारा होता, मेरे पास भी होता और अपने को होता एक घंटा, तो मैं आपको दिखाता कुछ हिडन फैक्ट्स, इतना मजा आता आपको। आचार्य देव ने पूजा भक्ति शील गुरु सेवा आहार दान आदि ये सब एक लॉबी में रखा है और स्वाध्याय को दूसरी लॉबी में रखा है, और कितने रहस्य की बात है आप पढ़ सकते हैं, शुभ परिणाम अधिकार पढ़ ले 68-69 जाता है, घर पर जाकर सबको एक खाते में डाल दे स्वाध्याय को छोड़कर, और फिर उसका फल अच्छा नहीं दिखाया, उस पुण्य का फल फिर देव में जाएगा और फिर रखड़ेगा फिर से, ऐसे लिखा। और स्वाध्याय को पत्ता अभी नहीं खोला, और जब आत्मानुभव का विकल्प मांगा उसने तब स्वाध्याय का पत्ता खोला है, मतलब स्वाध्याय की कितनी महत्ता है उनके दिल में। फिर आगे चलकर भी कितना कहा कि मुनियों को भी क्या करना, आगम चेष्टा तदु जेष्ठा, आगम की चेष्टा ही मुनियों को ज्येष्ठ है, प्रभावना अधिकार तो सब छूट जाते हैं लेकिन मुनि अवस्था होने पर गणधर तक होने पर भी ज्ञान और ध्यान तो नहीं छूटता, कहते निश्चयवासी को कहते हैं गणधर भी ज्ञान ध्यान के बिना नहीं रह सकता और तू स्वाध्याय का निषेध करता है, निर्वध्य कार्य है। और तो क्या कहा, निर्वध्य कार्य, अब पूजन करो विधान करो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्या कहा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कौन पानी छान रहा है, कैसे छान रहा है, कैसी दीक्षा दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सब सारंभ कार्य है, कैसे है ये तो सारंभ कहेंगे नहीं, इसलिए इसको तो शिथिलाचार कहेंगे। बहुत सावधानी से कोई करता है तभी आरंभ तो होगा कि नहीं होगा, पानी उबलेगा जीव जाएगा कि नहीं जाएगा, लाख लफड़े हैं बाकी के अनुष्ठानों में। निर्वध्य कार्य स्वाध्याय और सामयिक कहा है, और सामयिक प्लेटफॉर्म तो स्वाध्याय है, पहले तो स्वाध्याय महत्व है। अब पीठिका पढ़ेंगे तो मुझे एक एक चीज याद आ रही है, शास्त्राभ्यासी की तो इंद्रगण आदि भी आकर सेवा करते हैं, शास्त्राभ्यासी के विशेष सहजी छूट जाते हैं, शास्त्राभ्यास की महिमा लिखी जाती है ना 10 पॉइंट टोडरमल जी के, बस वही के हैं सब। ठीक, ओम।